बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट क्रिसमस केक, प्यारा सा स्नोफॉल का लुक, कलरफुल क्रिसमस ट्री और गिफ्ट लेकर आया हुआ सेंटा क्लॉज। ये केक बहुत ही स्पेशल बनने वाला है दोस्तों, और वो भी बिना फोंडेंट के। यकीन मानिए दोस्तों, छोटी छोटी ट्रिक्स से हमने इसे बहुत आसानी से बनाया है। इतनी सारी आइडियाज, टिप्स और ट्रिक्स एक जगह पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करें। क्रिसमस केक बनाने के लिए मैंने 350 ग्राम प्रीमिक्स से ये 7 इंच का केक बेक कर लिया है। इसके मेजरमेंट्स और रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। ये जो ऊपर का फूला फूला पोर्शन है, इसको काट लेंगे पहले, ये भी लगेगा हमें बाद में, तो इसे साइड में रख देना। अब मैंने इस स्पंज को 3 लेयर्स में काटा है, अब चाहो तो 2 लेयर्स ही बनाना चलेगा। अब अराउंड 400 ग्राम या 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप किया है मैंने। क्रिसमस स्पेशल केक है तो अंदर भी हम क्रीम में ग्रीन और व्हाइट कलर की शेड बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेकर इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन जेल कलर डालकर अच्छे से मिलाएंगे इसे। अब दो अलग अलग पाइपिंग बैग लेकर एक में जाएगी अपनी ग्रीन क्रीम और दूसरे में इस तरीके से व्हाइट व्हिप क्रीम भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कट कर लेना दोनों को। और अब एक बोर्ड या फिर प्लेट पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर ये केक की बेस की लेयर इस पर रख देना। सिंपल पानी से या फिर शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करेंगे हम इसे पहले। अगर आप शुगर सिरप यूज़ करना चाहते हो तो थोड़े से पानी में बस 2 चम्मच चीनी डालकर मिलाना और फिर यूज़ करना। अब हम इस पर व्हाइट क्रीम लगाएंगे थोड़ी सी, फिर ग्रीन का राउंड, फिर से व्हाइट, एक्चुअली सेंटर में ग्रीन सही रहेगी। तो इसी तरीके से एक के बाद एक ग्रीन और व्हाइट के राउंड बनाते हुए इस पर क्रीम लगा देना। और अब बिल्कुल हल्के से क्रीम को इस तरीके से प्लेन करते जाना, इसी तरीके से धीरे धीरे से करना ताकि ग्रीन और व्हाइट क्लियर मेंटेन कर सके हम। अब ये स्पंज की नेक्स्ट लेयर जाएगी इस पर, इसे भी पहले मॉइस्ट करके अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद क्रीम की लेयर बनाते जाएंगे इस पर। दोस्तों मैंने यहाँ पर ही ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, पर रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना। ताकि ऊपर की लेयर अच्छे से लगा पाए हम इस पर। और क्रीम को प्लेन करने से क्या होगा ना, बीच में अगर कहीं पर एयर बबल्स है या स्पेस है तो वो निकल जाएगी। अब नेक्स्ट लेयर रखने के बाद इसको बस अच्छे से मॉइस्ट करना पहले। हाँ, इस पर 2 कलर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वाइट क्रीम से अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। और इसी से केक को साइड से भी अच्छे से कवर करना है हमें। तो ये देखिए दोस्तों, पैलेट नाइफ से मैंने पहले केक का टॉप बढ़िया से स्मूथ किया है, इसी से केक के साइड में भी काम करेंगे हम। और अब जो काम पैलेट नाइफ से नहीं हो पाया, उसके लिए हम स्क्रैपर यूज़ करेंगे। ये देखिए, स्क्रैपर से साइड तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से स्मूथ हो गई है। साइड से जो क्रीम ऊपर आ रही है ना, उसको भी बिल्कुल हल्के हाथों से अंदर की तरफ खींच लेना। अब नीचे से क्लीन करके थोड़ी देर हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। परफेक्ट। तो चलिए अब इसे फ्रिज में रखकर तब तक आपको इस कट किए हुए स्पंज को कैसे यूज़ करना है वो बताती हूँ मैं। पहले हम क्या करेंगे ना, इस स्पंज को इस तरीके से स्मैश कर लेंगे अच्छे से। और देखिए, इस तरीके से केक को तोड़ने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच न्यूट्रल जेल डाल देना। न्यूट्रल जेल आपको किसी भी केक रॉ मटेरियल के शॉप में, सुपरमार्केट में या ऑनलाइन भी काफ़ी इजीली मिल जाएगा। तो इसे डालने के बाद आप देख सकते हो मैं कैसे इसे डो की तरह गूंथ रही हूँ। रोटी का डो जैसे हम गूंथते हैं ना, ठीक वैसे ही करना है। तो फोंडेंट की रिप्लेसमेंट में ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी और एफोर्डेबल ऑप्शन है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। अब इस डो को मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक छोटे हिस्से में थोड़ा सा वाइट जेल कलर डालकर अच्छे से मिला देना इसे। कलर मिलाने के बाद भी ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, और फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जेल के कुछ ड्रॉप्स या पानी के कुछ ड्रॉप्स डालकर भी इसे हल्का सा स्मूथ कर सकते हो। अब ये मैं बना रही हूँ रेड कलर का डो। रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा हमें, तो उस हिसाब से बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, सांता क्लॉज बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है ये। अब आती है ब्लैक कलर की बारी।
ब्लैक बिल्कुल कम लगेगा हमें, ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है, इससे कम बनाना आप। अब मैंने ना फिर से थोड़ा सा व्हाइट कलर का डो अलग से बना कर लिया है, इससे हम स्किन जैसा कलर बनाएंगे, फ्लेश टिंट कलर बनाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा रेड डो इसमें डालकर दोनों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिक्स करेंगे और इसे मिलाते मिलाते ही ये देखिए ये येलो कलर लिया है मैंने, बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप इसमें से भी थोड़ा सा कम करना, नहीं तो ऑरेंज हो जाएगा ये। तो वाइट में बिल्कुल थोड़ा सा रेड और हल्का सा येलो मिला दो, तो ये देखिए फ्लैश टिंट कलर तैयार, परफेक्ट। तो फ्लैश टिंट, वाइट, रेड और ब्लैक, सेंटा क्लॉज के लिए ये चार कलर्स मेन हैं। तो सबसे पहले रेड कलर को मैंने एक बड़ा हिस्सा और पांच छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले बड़े हिस्से को लेकर इसका बॉल बनाते हुए हल्का सा मैं इसमें जेल लगा रही हूँ ताकि सॉफ्ट और स्मूथ रहे ये। आपका डो जितना सॉफ्ट रहेगा ना, अलग अलग शेप्स आप इजीली बना सकते हो। साथ में ही सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो स्मूथ डो का पहले ये बॉल बनाया है मैंने। अब धीरे धीरे इस बॉल को एक साइड में थोड़ा सा पतला करते हुए थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप बनाना, देखिए कुछ ऐसे। अब ये जो छोटे हिस्से हैं इन्हें भी एक एक को स्मूथ करके पहले बॉल करके फिर धीरे धीरे सिलेंडर शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। बस चारों का ऐसे सिलेंडर बनाना और एक का बस बॉल बनाकर छोड़ देना इसे अभी। अब ये जो फ्लैश टिंट कलर है इसमें से एक छोटे हिस्से को स्मूथ करके इससे सांता का फेस बनाना है हमें। तो ये देखिए ये नीचे का पोर्शन और ये ऊपर ऐसे रहेगा, पर ऐसे इजीली चिपके का नहीं है, तो बेटर है आप एक टूथपिक लेना, आधी को इस तरीके से रेड कलर के अंदर डालना और बचे हुए आधे पोर्शन में ये हेड वाला बॉल लगा देना। अब इसमें से एक सिलेंडर से बनेगा ये एक लेग, ये दूसरी साइड। थोड़ी से जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर जेल से 100% काम नहीं होगा, आपको इसे प्रेस करके ही लगाना होगा। इसीलिए मैंने बोला आपका डो जितना स्मूथ रहेगा ना, चिपकाने का काम इजी रहेगा। अगर डो हार्ड हुआ तो चिपकाने में भी दिक्कत होगी और तो और ड्राई होकर ये टूटने की भी संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो डो को स्मूथ रखना। अब हाथों की जगह पर भी इन शेप्स को ऐसे ही लगाएंगे हम, अच्छे से प्रेस करना इसे। अब फिर से इस फ्लैश टिंट कलर से छोटे छोटे दो बॉल बनाएंगे कुछ ऐसे, और इससे बनाएंगे हम सांता क्लॉज के हाथ। यहाँ पर भी इस तरीके से प्रेस करके चिपका देना। हाथों को थोड़ा सा पास रखना, पैरों को थोड़ा सा दूर दूर रखना। तो ये दोनों हाथ मैंने ऐसे ही लगाए हैं। ये देखिए अब पैरों की जगह ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये दो ब्लैक बॉल्स है मेरे पास, इनको भी इस तरीके से चिपका देना। जैसे जैसे एक एक छोटा छोटा पार्ट आप इसमें ऐड करते जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा, लग रहा है ना बढ़िया। अब ये जो लास्ट रेड कलर का बॉल बचा है ना, इससे हम बनाएंगे सांता क्लॉज की हैट। तो पहले थोड़ा सा लंबा करना, फिर ये हैट का ऊपर का पोर्शन नीचे से पहले फ्लैट करना। ये देखिए साइज सही है ना, ऊपर हल्का सा बेंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अब हमें इसके नीचे से थोड़ा सा होल जैसा करना है ताकि इसे हम सांता के हेड पर फिक्स कर सकें। तो ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर सिंपली उंगली से भी आप इस तरीके से इसमें छोटा सा गड्ढा बना सकते हो। ये देखिए ऐसे रहेगी, साइड में रखेंगे इसे। और अब पहले बाकी की छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। तो थोड़ा सा वाइट कलर लेकर इसे इस तरीके से बिल्कुल पतला पतला सा रोल करना, साइड का हिस्सा हटा देना और अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना। इस तरीके से लगाएंगे हम इसे जिससे सांता के ड्रेस की बॉर्डर बन जाएगी। देखिए इतना छोटा सा पार्ट लगते से ही कितना बढ़िया लग रहा है ना ये। तो जैसे हाथों में हमने बॉर्डर लगाई है उसी तरीके से पैरों में बॉर्डर लगाओ तो उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। छोटा सा बॉल बनाकर हैट में भी एक बढ़िया सा लुक दे देंगे। यहाँ पर भी एक छोटी सी बॉर्डर लगा देंगे जिससे ये मेसी पार्ट छिप जाए। तो ये रही हैट, क्यूट। तो चलिए इसको भी फिक्स कर देना यहाँ पर। और अब एक छोटी सी बॉर्डर हैट के लिए भी बनाना। एक्चुअली डो बहुत अच्छा सॉफ्ट है तो अभी मुझे इसे चिपकाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। अभी व्हाइट का इम्पोर्टेंट काम बचा है, सांता क्लॉज की दाढ़ी और मूछें बनेगी इससे। तो ये छोटा सा फ्लैट ट्रायंगुलर शेप मैंने बनाया है, एक बार चाहो तो सांता के फेस को लगाकर चेक कर लेना आप।
अच्छे से फ्लैट करना है इसे भी। पतली रहेगी तो आपको चिपकाने में भी कम दिक्कत होगी। ये देखिए एक्स्ट्रा का पोर्शन मैंने हटा दिया है। टूथपिक से थोड़ी सी डिज़ाइन करेंगे हम इस पर तो और अच्छा लुक आएगा। और अब इसे भी इस तरीके से चिपका देना, एकदम अच्छे से चिपकाना। प्रेस करते समय पीछे की साइड से हाथों का थोड़ा सा सपोर्ट देना ना भूलना, ओके। अब मूछें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तो छोटे से वाइट बॉल्स लिए हैं, आपके हिसाब से आप इन्हें शेप देना। ये देखिए मैंने ऐसे बनाया है। ये दोनों तो रेडी है। अब नोज के लिए बिल्कुल छोटा सा स्किन कलर का बॉल लेना एक, ये देखिए ऐसे लगेगा। मूछों पर भी टूथपिक से थोड़ी सी डिज़ाइन बनाएंगे और फाइनली इस तरीके से इसे चिपका देना। साथ में ही ये नोज भी लगेगा यहाँ पर। और अब बस इसे कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत है दो छोटे से आँखों की। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। चलिए अब ये जो ग्रीन डो है ना, इससे हम बनाएंगे क्रिसमस ट्री। एक्चुअली जो केक का ऊपर का पोर्शन हमने काट लिया था ना, उससे बस सेंटा क्लॉज ही बना है। क्रिसमस ट्री के लिए मैंने मेरे पास का एक कपकेक यूज़ किया है। तो आप भी कोई कपकेक यूज़ करना या फिर काटते समय केक का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन कट करना, या फिर और बेटर ऑप्शन है आप अलग से 60-70 ग्राम प्रीमिक्स का केक बनाकर यूज़ कर सकते हो। अब ट्री बनाने के लिए इतनी छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है ना, देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये देखिए पहले इसे रोल करते हुए ट्री जैसा शेप बनाना और अब बस एक सीजर की सहायता से इस तरीके से हम इसे कट करते जाएंगे। धीरे धीरे से ट्री को घुमाते जाना और इस तरीके से इसे कट लगाते जाना। बीच बीच में सीजर को इस तरीके से क्लीन करना ना भूलना। लास्ट टाइम के क्रिसमस केक में मैंने आपको चॉकलेट कंपाउंड से क्रिसमस ट्री बनाकर दिखाया था, वो भी बहुत ही बढ़िया बनता है। और अब ये भी देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, बस अपने हर एक कट के साथ एक एक पत्ती जैसा शेप बनता जा रहा है। सुपर डुपर ईजी और अमेजिंग है ये। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एंड तक मैंने ऐसे डिजाइन बनाया है। नीचे थोड़ा सा प्रेस करना है इसे ताकि ये ठीक से खड़ा हो सके केक पर। अब आप इसे आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास ये जो स्टार वाले स्प्रिंकलर्स है, इसमें से रेड स्टार में ट्री के टॉप पर लगा दूंगी। साथ में ही अगर आपके पास इस तरीके के गोल्डन शुगर बॉल्स है तो इनको भी ट्री पर लगा देना। ये देखिए ये वाले स्प्रिंकलर्स भी बहुत प्यारे हैं। ट्री पर जैसे छोटे छोटे लाइट लगते हैं ना, वैसा लुक आएगा। चलिए अब सेंटा क्लॉज आएगा तो अकेले थोड़ी आएगा, गिफ्ट तो लेकर ही आएगा। तो थोड़ा सा स्किन कलर का डो बचा था ना, उसी में येलो कलर ऐड करके हम एक छोटा सा गिफ्ट बनाएंगे। अब इसके फाइनल लुक के लिए थोड़े से व्हाइट डो को पार्चमेंट पेपर के बीच में रखकर रोल करेंगे। इस तरीके से रोल करने के बाद अब पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेना। और अब इन स्ट्रिप्स को इस गिफ्ट के बॉक्स पर ऊपर की लेस की तरह लगाएंगे हम। ये देखिए छोटा सा एक बो की तरह बनाया है मैंने इसी से, कितना क्यूट लग रहा है ये भी। तो बस अब ये सारे टॉपर्स रेडी है। चलिए अब मुड़ते हैं केक की तरफ। क्रिसमस केक है तो एक डार्क ग्रीन कलर की बॉर्डर देंगे हम नीचे। देखा ना डार्क कलर का शेडिंग कितना बढ़िया लग रहा है। तो प्यारी सी बॉर्डर बन गई है। अब साइड डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा रेड डो मैंने बचाया था, इसे हम इस तरीके से पार्चमेंट पेपर के बीच में रखकर रोल कर लेंगे। पहले अच्छा पतला रोल करना इसे। और अब ये देखिए ये मेरे पास एक फोंडेंट कटर है। फोंडेंट के लिए काफ़ी सारे छोटे बड़े टूल्स यूज़ होते हैं, बाद में कभी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी के लिए ये देखना, बस आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना। और अब ये जो पीछे का पोर्शन है ना, इसे प्रेस करो तो आपका प्यारा सा फ्लावर बाहर आपके हाथ में आ जाएगा। अब अगर ऐसा कटर ना हो तो आप घर की कोई छोटी सी कटोरी, कुकी कटर, इनका इस्तेमाल करके भी अच्छे अच्छे डिजाइंस काट सकते हो।
या फिर बच्चों के प्लेडों के साथ जो अलग अलग शेप और साइज के कटर्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, फ्लावर्स लगाने के बाद क्या सुंदर लग रहा है केक। और एक आइडिया की है मैंने, इनमें से जो येलो स्प्रिंकलर्स है ना, उन्हें निकाल कर मैंने हर एक फ्लावर के सेंटर में लगा दिया है। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन अमेजिंग, बहुत कॉमन स्प्रिंकलर्स है ये, आपको केक रॉ मटेरियल शॉप में ये इजीली मिल जाएंगे। अब बस एक एक टॉपर्स को इस पर रखना है हमें। ट्री को रखने की कोशिश की मैंने, पर थोड़ा सा हैवी है ये, कहीं गिर ना जाए, बेटर है आप इसमें एक टूथपिक का यूज़ करना। आधी टूथपिक ट्री के अंदर और आधी केक के अंदर जाएगी। अब धीरे से सांता क्लॉस को भी उठाकर मैंने इस पर रख दिया है। पास में ये गिफ्ट बॉक्स, साथ में ही थोड़े से पर्ल्स और डेसिकेटेड कोकोनट से ये स्नोफॉल का लुक दिया है मैंने। तो दोस्तों, आप भी इस क्रिसमस ये डेकोरेशन केक में ज़रूर ट्राई करना और आपके अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।